Hello, my craft lover. I hope you all are doing well and fine. And dear, आज का ये वीडियो में हम एक सुंदर सा राजस्थान कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, जो बनाने में तो बहुत ही आसान है, पर इसका आउटलुक बहुत ही सुंदर होगा. डियर, आप ये जो कठपुतलियाँ देख रहे हो, ये मैं रिसेंटली राजस्थान से ली थी. और ये जो कल्चर है, ये राजस्थान का बहुत ही फेमस कल्चर है. चलिए हम इसे बॉटल के ऊपर पेंट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डियर, मैं यहाँ एक ग्लास बॉटल ली हूँ और इसे कवर करने के लिए मैं इसे एक प्राइम कोट दूंगी. और प्राइम कोट के लिए मैं यहाँ एक्रिलिक पेंट यूज कर रही हूँ. अगर आपके पास जेसो है, देन इट विल बेटर टू पुट जेसो. पहले तो आप बेस कोट को बिल्कुल ही ड्राई होने दीजिए, क्योंकि बेस कोट ड्राई होना बहुत ही जरूरी है. और ये कम्प्लीटली सूखने के बाद हम इसके ऊपर क्रोम एलो अप्लाई करेंगे. आपके प्रेफरेंस के हिसाब से कलर चूज कर सकते. डियर, मेरी बेस अभी कम्प्लीटली तैयार है और इसके ऊपर मैं अभी एक स्केच करने वाली हूँ. और ये जो स्केच होगा, इसका बस मैं लेआउट ड्राइंग करने वाली हूँ. और मैं यहाँ आपको दिखा देती हूँ इसे ड्रॉ करना कितना ही आसान है. डियर, आप इस तरह इसे फॉलो करके आसान तरीके से ये वाला कठपुतली का जो ड्रॉइंग है आप बना सकते हो. अभी डियर, स्किन के ऊपर मैं स्किन कलर अप्लाई कर रही हूँ और इसका जो सेड है मैं यहाँ इसे मेंशन कर दी हूँ. अगर आपके पास ये वाला सेट नहीं है तो आप इसके जगह व्हाइट पेंट भी यूज कर सकते हो. ओके डियर, अभी मैं इसको एक बहुत ही सुंदर तरीके से ड्रेसअप करने वाली हूँ. लाइक मैं इसके जो टॉप पार्ट है मैं यहाँ टील ब्लू प्रोवाइड कर रही हूँ एंड बॉटम के पार्ट को मैं रेड कलर से कलर कर रही हूँ. डियर, आपके हिसाब से कलर जरूर चूज कीजिएगा, पर कलर ऐसा चूज कीजिएगा जो कंट्रास्ट सेट में हो, सो दैट आपका जो आउटलुक होगा डॉल का वो बहुत ही सुंदर आएगा. डियर, मैं सारे सेट्स जो यहाँ पुट कर रही हूँ उसके नंबर मैं लिंक के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दी हूँ, आप इसे चेक कर लीजिएगा. मैं यहाँ आउटलाइंस के लिए 3D आउटलाइनर का यूज़ कर रही हूँ. अगर आपके पास अभी के लिए 3D आउटलाइनर अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह नॉर्मल एक्रीलिक पेंट भी यूज़ कर सकते हो विथ फाइन ब्रश, लाइक 0 और 1 नंबर ब्रश. अभी डियर, ये वाला जो बटल है ये कंप्लीट होने वाला है मेरा. और यहाँ मैं एक धागा डाल रही हूँ, क्योंकि ये जो डॉल डांस है ये धागे के साथ ही इसको डांस करवा जाता है. तो मैं यहाँ इसे 3D आउटलाइनर के साथ डिज़ाइन कर दी और मैं अभी एक फीमेल पार्ट भी इसका डिज़ाइन करूँगी. और इसके लिए मैं जिस तरह वहाँ डिज़ाइन की थी, ड्राइंग बनाई थी, उस तरह यहाँ भी बना दी. आपको मैं पास से दिखा देती हूँ सो दैट यू कैन फॉलो दिस आल्सो. अभी मैं इसको एक बेस प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि टील ब्लू मेरा बेस में था. सो इसके ऊपर अगर मैं कोई कलर लगाऊंगी वो शायद अच्छे से नहीं आएगा. सो इसीलिए मैं यहाँ पहले तो इसे वाइट के साथ पेंट कर दे रही हूँ, सो दैट मैं जो ऊपर में कलर पुट करूँगी वो अच्छे से आ जाए. इसको मैं बैक कैमरा कलर पुट करती थी और यहाँ मैं सारे कलर सेट मेंशन करती हूँ, आप इसे इजीली फॉलो कर सकते हो. भी मैं सेम प्रोसीजर फॉलो करके ही बना रही हूँ और इसको बनाना भी बहुत ही सिंपल है. इसे थोड़ा और ही ज़्यादा गर्जियस बनाने के लिए मैं यहाँ कुछ ग्लास मिरर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ. लाइक हम जब इसके अंदर लाइट्स पुट ना करेंगे तो ये ऐसे ही बहुत सुंदर लुक देगा. सो इसीलिए मैं कुछ राइनस्टोन्स एंड कुछ मिरर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ. एंड ये जो ब्यूटीफुल सा फीमेल डॉल है, और इसको मैं थोड़ा और ही ज़्यादा डेकोरेट करूँगी गोल्ड आउटलाइनर के साथ.
आप डियर जितना इसको डेकोरेट करेंगे उसका लुक उतना ही अच्छा आएगा। सो आपके हिसाब से इसे डेकोरेट कर सकते हो। अभी मेरे ये दोनों बॉटल्स तैयार हो गया और मैं इसे अभी डेकोरेशन करने वाली हूँ और मैं इसको लाइट पुट करके भी डेकोरेट करूँगी। डियर बिना लाइट के भी आप इसे डेकोरेट कर सकते हो और इसका आउटलुक बहुत ही ज़्यादा गर्जियस है। और आप इसके अंदर लाइट्स अगर पुट करोगे, लाइक फेरी लाइट अगर आप इसके अंदर डालोगे, तो इसका लुक कुछ इस तरह आएगा और मुझे भी ये लुक बहुत पसंद है। डियर अगर आप ये वाला DIY ट्राई करते हो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पास नए आए हो तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर याद से प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपको मेरे तरफ से हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा। डियर जाने से पहले मेरी वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।